वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राजू एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग तो एक्साइटिंग है ही राजा जी। क्योंकि मैं खुद आया हूँ आज, मतलब खुद आया हूँ, मतलब मैं ही तो आता हूँ, लेकिन मैं खुद बोला हूँ प्रिया को कि चलो भाई आज ब्लॉग कर लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं। हाँ, ऐसे तो प्रिया रोज बोलते कि कुछ करो कुछ करो, मैं बात को टाल देता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं एकदम रेडी होके आया गया हूँ। और प्रिया जो है अभी नहा के निकली है, बाल अभी भीगा हुआ है। हाँ, टाइम मैंने तो दिया मतलब, नहीं हाँ, जरा, मतलब सर सजने के लिए टाइम मैंने दिया नहीं। क्या सर सजने के लिए टाइम नहीं दिया, मैं क्या करूंगी, थोड़ा बहुत ऐसे के लिए नहीं है। ऑफिस से आए हैं, बस हम आके सोचा कि घर का काम करना है ना, मतलब खाना बनाना है, सब है, बहुत सारे काम होते हैं मेरे, तो मैंने वो सोचा कि चलो नहा के आके काम करना पड़ेगा। पर राजा जी बोले कि नहीं, चलो छोड़ो, तुमको अभी कुछ नहीं करना है, अभी तुम मेरे साथ ब्लॉग बनाओगी, ऐसे बोले, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाँ, इसका कारण भी तुम हो। हाँ, क्योंकि प्रिया जो है, फ्रेंड्स एक्चुअल में मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि कल जो है प्रिया का जन्मदिन है और हैप्पी बर्थडे है उसका। मेरे भी आई है दुनिया में, तो कल उसका मतलब यही दिन सेलिब्रेशन करने का दिन है, जो कि आज 12 बजे से हम लोग का शुरू हो जाएगा सेलिब्रेशन डे। लेकिन एक बात पे नाराज भी हूँ कि मैं कुछ लाया था प्रिया के लिए। हाँ, और मैंने देख लिए लिया है, आगे क्या है ना, मुझे अच्छा लगता है ये, उस खामोखा गुस्सा हो जाते हैं फ्रेंड। नहीं, मतलब मैं छुपा के रखा था, तो प्रिया एक्चुअली 3-4 दिन हो गया, बहुत आराम से ही छुपा के रखा था, कुछ मतलब हुआ नहीं, वो पर देख मुझे नहीं पाई, ऐसा अच्छा लेकिन आज लगता ज्यादा है, ज्यादा करके सूंघ ली। नहीं ठीक मुझे है, मुझे मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही, राजा जी कुछ लाते हैं तो मैं, मुझे ढूंढने से ऐसे मिल जाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तुम तो मतलब मेरा तो सरप्राइजिंग जो प्लान है वो सब चौपट कर देती हो ना, मैं चाहता हूँ कि कुछ सरप्राइज दूँ। हाँ, कुछ हाँ, तो सरप्राइज तो किया बहुत बार तुमने किया। क्या मतलब, हर बार तो पहले ही सब जान लेती हो, तो मैंने कहा कि ठीक है अब तुम इतना, अगर अभी आज ही सब तुमको तुमने देख लिया तो क्या कल का वेट करना, तो फिर इसीलिए आज ही चलो ठीक है। हाँ, बोले चलो आज हाँ ही तुम फ्रेंड्स लोगों को बता दो कि तुम्हारा कल बर्थडे है, और मैंने गिफ्ट देख लिया है, तो बोला चलो गिफ्ट भी तुम हाँ पढ़ और भी इंतजार करने का दरकार नहीं, आज ही तुम सब दिखा दो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ठीक ब्लॉग जो है पता नहीं कब प्रिया छोड़ेगी, है, कब छोड़ेंगे बोल राजा रहे हैं जी। 25 अगस्त को प्रिया का जन्मदिन है, तो देखते देखते पता नहीं कल कब मेरा होगा, बर्थडे है, आप तो लोग हाँ हमें अच्छे से विश विश कर देना, ठीक हाँ अच्छे से आशीर्वाद दे देना प्रिया को कि हाँ, थोड़ा उसका गुस्सा जो है कम हो जाए, क्या मैं और क्या गुस्सा करती बात हूँ, बात में चिढ़ जाती हूँ ना, वही बोले। और राजा जी और चिढ़ाते हैं मुझे और मेरे साथ झगड़ा करते हैं कभी कभी, तुम तो तो कोई मैं काम तो नहीं किसी को करती। बताती नहीं हूँ। हाँ, राजा जी मेरे साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, सच में प्रिया तुम क्या करती हो, मैं कुछ नहीं वाह करती वाह, कुछ नहीं हूँ। करते, मेरी बात एकदम सुनती नहीं है। फ्रेंड्स जो भी हो, कल उसका बर्थडे है तो विश कर लेना, थोड़ा ब्लेस कर देना, और ऐसे ही हम लोग साथ में रह पाए। हाँ तो ठीक है, तो हाँ फिर तुम तो अभी तुम गिफ्ट दिखाओगे, मतलब हाँ फ्रेंड्स लोगों को गिफ्ट दिखाएंगे, चलो बर्थडे का गिफ्ट दिखा देते हैं, और कल सुबह सुबह हमें विश कर देना अच्छे से, ठीक है, हम जल्दी जल्दी ब्लॉग छोड़ देंगे, तो ठीक है, वो ठीक देखा है। जाएगा पहले। ठीक है, हाँ दिखाओ तुमको क्या दिखाना है, दिखाओ। चलो दिखाते हैं। चलो ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स चलो आप लोगों को दिखाते हैं कि राजा जी ने मुझे बर्थडे पे क्या दिया है। वैसे तो राजा जी हमेशा ड्रेस ही देते हैं, तो ड्रेस दिए हैं, और मेरे साथ साथ इन्होंने खुद भी एक ड्रेस लिए है, मतलब एक शर्ट लिए है। सबसे पहले तो इनका ही दिखा देती हूँ मैं, अरे तुम क्यों वो लेते देखो, हो, वो दिखाने का दरकार नहीं है, वो क्यों तुम नहीं, रखो, क्यों ऐसे लिए तुम नया ड्रेस पहनोगे नहीं तो मैं फ्रेंड्स, भी थोड़ा। नहीं फ्रेंड्स मुझे कुछ देते हैं तो ना, ये खुद भी लेते हैं, क्यों लेते हो, इससे तो मेरा और एक ड्रेस हो जाता। तुम ऐसे नया ड्रेस पहन के निकलोगी तो मुझे अगर पुराना लगेगा इनका तो इनका ही इसलिए। पहले मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, हाँ बेकार ये है तुम। देखो राजा जी ने एक शर्ट लिया है, ये अरे वाला, यार, ठीक है, ये वाला एक शर्ट लिया ठीक है है, तुम्हें भी रखो, तुम आप भी ये करो। नहीं दिखा देती हूँ ना, ये वाला शर्ट लिया है, और राजा जी मतलब राजा जी क्यों लिए है, इससे तो मेरा एक और एक ड्रेस हो जाता, तुम क्यों हाँ लेती हो हो। जाता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ना, तुम अब नया ड्रेस पहन कर निकलोगी या मैं भी अगर नया कुछ पहन कर निकलूंगा तो मुझे अच्छा फील होता है, इसीलिए समझे। मैंने देखा, जब मैंने गिफ्ट खोला तब हाँ देखा इनका एक शर्ट लिया है, तभी मैंने बोला कि तुम क्यों लिए हो, इससे मेरा और एक ठीक ड्रेस है, मैं होता लिया है। हूँ तो तुम घर क्या, तुम्हारा तो ये देखने का ये नहीं था, नहीं तुम दिखा अपना दो, दिखाओ। दिखाया तो क्या हुआ, फ्रेंड्स लोग को दिखाएंगे नहीं,
तो फ्रेंड्स ये वाला राजा जी का शर्ट है, ठीक है। मुझे प्रिंट बहुत पसंद आया राजा जी का, ये ड्रेस का इनके ऊपर बहुत अच्छा दिखेगा, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो यूएसए बोलती हूँ, बस मैं तो यूएसए बोलती हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ राजा जी, राजा जी ने भी लिए है। मुझे तो सना माना था ना, ऐसे अचानक से तुम ऐसे बोल दी मेरा का हुए उस हाथ लेके। ठीक है चलो, इनका तो प्रिंट दिखा दिए हैं, अच्छा लगा मुझे ये शर्ट। कल यही पहन कर जाएंगे अगर कहीं जाते हैं तो। हाँ कल राजा जी को यही पहन के लेके जाएंगे। और मेरे वाला है, मेरा बर्थडे है तो राजा जी मुझे पिंक कलर का दिए है, ये देखो ये वाला एक ड्रेस दिया है। तुम भी यही पहन रही हो राजा जी ने ये वाला एक ड्रेस दिया है, ठीक है। कुछ इस तरह से है और ये सामने कुछ ऐसा है, इस टाइप का देखो ऐसा है। अबे पहनने पे पता चलेगा कैसा है। हाँ तो अच्छा ही लगेगा, वैसे तो ऐसे दिखा है, एक फ्रॉक है, ठीक है फ्रॉक है, एक फ्रॉक है। मुझे फ्रॉक पहनना बहुत पसंद आते हैं, इसलिए तो मैंने दिया। तुम इसको कल पहनना और कहीं जाओगी तो इसको पहन कर लेंगे, मैं भी वो शर्ट पहन लूंगा, हो जाएगा। हाँ। ठीक है और क्या चाहिए। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला ड्रेस, अब मैंने पहन के भी देख लिया, बोले राजा हाँ। जी बहुत अच्छा फिटिंग्स आए हैं। सबर नहीं होता है, सब कुछ पहले पहले सब कर ले। नहीं मैं बस जब भी मुझे मिला तो तभी मैंने पहन के देख लिया कि मतलब फिटिंग्स आ रहा है कि नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं, तो देखा बहुत अच्छा। तो मुझे मालूम है, अरे बता रहे कि मैं तो एक बात कर रही हूँ ना, तुमको बीच में बोलने का कोई दरकार तो नहीं बोल रहे। तुम कभी इसका टेंशन मत लो कि मैं कुछ लाऊंगा वो बड़ा हो जाएगा। चुप करो ना, बेकार में बकते हैं, ये कुछ भी बकते हैं फ्रेंड्स। चलो छोड़ो तो जाने दो इनको बात। हाँ तो ये वाला ड्रेस है, ये कल मैं बर्थडे पे पहनूंगी और घूमने भी जाएंगे। और ड्रेस कैसा है ये तो पहनने पे पता चलेगा, वैसे तो आप लोगों को दिखा दिया है कुछ इस टाइप से है, ठीक है। मुझे इस टाइप से ड्रेस पहनना बहुत पसंद आते है तो मैंने कल ये पहनोगी तो पूरा डॉल दिखोगी तुम। अरे मैंने इमेजिन कर लिया है पूरा पिंक ड्रेस के साथ, मुझे बहुत पसंद आया है ये ड्रेस, ठीक है। तो ये वाला पहनेंगे कल और पहन के आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। और एक गिफ्ट दिया है राजा जी, इससे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हूँ। हाँ ये वाला एक दिए है गिफ्ट, तो मैं दिखा रही हूँ। इसके पीछे कारण है, मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों दिए है। ये वाला ये हेयर स्ट्रेटनर है तो ये दिया है। एक्चुअली आप लोग देख सकते हो मैं तो बस नहा के आई हूँ, मेरा ना नेचुरली बहुत ही कर्ल हेयर है, बहुत ज्यादा। हाँ मेरा और एक स्टाइलर मतलब ये स्ट्रेटनर था मेरा और एक, फिर भी राजा जी मुझे ये वाला दिए है क्योंकि वो वाला लेके आओ राजा जी, थोड़ा सा हम लेके आते हैं, ठीक है हम दिखाएंगे। नहीं ये वाला पहले दिखा देते हैं उसके बाद दिखाते हैं। दिखा लो और हाँ। ये सब क्यों मिला है तुमको मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ क्योंकि मेरे ना मतलब नेचुरली देखो कितना मतलब सुंदर कर्ल होते हैं, ऐसे तो मैं बनाती नहीं हूँ ऐसे, मैं जब भी मतलब बाहर निकलती हूँ जब प्रिया निकलती है हाँ तो सब लोग पूछते हैं कि मैंने सोचते हैं कि मैंने ऐसे बनाए हैं मतलब सोचते हैं तो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये खुद मतलब ये नेचुरली है और ये तो मुझे पसंद आते हैं, पर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी हो जाती हूँ और मैं राजा जी को वो मतलब मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा हेयर जो है स्ट्रेट हो ऐसा मुझे, मैं राजा जी को कभी कभी बोले भी है कि कभी फ्रीज हो जाता है या कभी ऐसे काले हो जाते हैं ज्यादा, तो मैंने कहा कि उसका बाल जो है स्ट्रेट करने का उसका इरादा है। मुझे बहुत तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा ये जो कल्च है ये हर किसी के पास होता नहीं, ये नेचुरल है तो इसको रखो, और स्ट्रेटनर तो है ही, कभी अगर मन करेगा तो स्ट्रेट कर लेना क्योंकि मुझे तुम्हारा कल्च ज्यादा पसंद है। नहीं करने नहीं देते हैं इनको भी बहुत, एक बार अगर ट्रीटमेंट में अगर ट्रीटमेंट स्ट्रेट करने का जो है वो तो पूरा लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, तो तब तुम्हें ये कल्च नहीं दिखने को मिलेगा, तब तुम ये सब मिस करोगे। हाँ बहुत मिस करेंगे क्योंकि कभी कभी जो है ना मुझे
बहुत ज्यादा अच्छा लग, जैसे कि अभी देखो अभी मुझे कितना अच्छा लग रहा है मेरा ये बाल, ठीक है, बहुत लंबा भी हो गया है। हाँ, और राजा जी के कारण ये लंबा हुआ है क्योंकि ये मुझे काटने ही नहीं देते हैं। और एक बात है फ्रेंड्स कि मेरे बाल जो है ना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं मुझे, बोले राजा जी एकदम गिरते ही नहीं है मेरे बाल, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं मतलब जो लोग ना ऐसे स्ट्रेट किए हैं उन लोगों का बहुत बाल गिरते हैं, तो उन लोगों ने वो मुझे कभी कभी बोलते हैं कि बाल गिरते हैं इससे, तो राजा जी बहुत डर जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेट नहीं करवाएंगे। अभी ये मशीन से क्या होगा कि तुमको अभी कर्ल्स रखना है तो कर्ल्स रखना, जिस दिन मन करे कि स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट मैं करना। मेरा 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 और फिलिप्स का और एक था ना, है ना कैरशाइन वाला स्ट्रेटनर है, लेकिन वो वाला ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाते है, तो राजा जी ने ये वाला दिया है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि ये कंग स्टाइल का निकले है, देख सकते हो मतलब ऐसे करेंगे और स्ट्रेट बन जाएंगे। उसमें जो पहले का जो स्ट्रेटनर था वो वाला प्लेन था, प्रिया का बहुत ऐसे करके मुझे बहुत हाथों में दर्द हो जाता था, तो इसलिए तो ये वाला दिए है, मैं तो देख कर ही बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। अभी आप लोगों को खोल के दिखाते हैं, ये देखो अभी इससे तुम आराम से ऐसे गंदी कर करके स्ट्रेट कर पाओगे, ये देखो, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई देख के इसको, अभी हाथ दर्द नहीं होगा तुम्हारा, आराम से एकदम फटाफट स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैं तो मतलब ऐसे करेंगे और पूरा स्ट्रेट बन जाएंगे, अभी जाएगा, हम सोच रहे हैं कि कल तो हम स्ट्रेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हम कल स्ट्रेट करेंगे, कल करोगे? हाँ कल ही करेंगे, कल मेरा बर्थडे है, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैंने शैम्पू भी किए हैं, तो सोचा कल ही हम स्ट्रेट कर लेते हैं और देखते हैं मैं कैसे दिखती हूँ, ठीक है। आप लोग बता देना आप लोग में से किसको कौन सा बाल पसंद आते हैं, अभी तो नए टाइप के देखने को मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे भी दिखूंगी, कभी कभी स्ट्रेट करके भी दिखूंगी, और कभी कभी नेचुरल भी रहेगा, मतलब ये तो हर वक्त स्ट्रेट नहीं रहेगा, हर वक्त थोड़ी मतलब हफ्ते में इसमें मानो कि एक बार कर लिया और उसके बाद तो मेरा बाल थोड़ा नेचुरल कर्ल भी रहेगा और मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट भी रहेगा, ऐसा भी देखने मतलब तीन टाइप को देखने के मिलेंगे आप लोगों को। तो मैं तो एकदम बदिल बाग बाग हो जाने की, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ, और मैं कल आप लोगों को सुबह जब मतलब तैयार होंगे, पता नहीं कब निकलेंगे हम लोग, क्या राजा जी कहीं निकलोगे क्या? मुझे अभी कोई कुछ मालूम नहीं, देखो ये पहन के घर में भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। नहीं क्या क्यों घर पे रहो बोलो तो, ठीक है बाहर भी जा सकते हैं, अभी मैं कुछ अभी कोई कुछ पता नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, कहीं जाए या ना जाए हम तो घर पे सज धज के आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे तब स्ट्रेट करके आप लोगों को दिखाएंगे तैयार होके, और देखना है ये कैसे काम आता है और कितने टाइम तक ये स्ट्रेट रहते हैं, मेरे ख्याल में ये भी देखना पड़ेगा, बोले राजा जी। हाँ तो हम कल आप लोगों को दिखाएंगे, और मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई हूँ, मेरे राजा जी ने मुझे ऐसे गिफ्ट दिए। चलो तुम हैप्पी हो गए हो, और अभी तुम ये ट्रीटमेंट करने के बारे में मत मतलब ये करना, अब मत बोलना मुझे कि मैं ना कुछ ट्रीटमेंट एक्चुअली मैं ना स्मूथ करवाने के लिए बोले थे राजा जी को, या फिर स्ट्रेट करने के लिए बोले, पर ये तो मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो, क्योंकि कभी कभी मुझे ये गर्ल बहुत पसंद आते हैं, मैं ऐसे कोई भी एक फ्रॉक पहन लूँ और उसके साथ ऐसे हल्का गर्ल वाला हेयर रहते तो मुझे बहुत पसंद आते है, और राजा जी मुझे बोलते है कि ये मेरी डॉल लगती है, जब फ्रॉक पहनकर प्रयास से निकलती है डॉल ही लगती है। तो ठीक है अभी तो ये तो हो गया, हाँ ठीक है, अभी तुम जो है इसके कल दिखा, अभी कल हम दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है स्ट्रेट करके। हाँ और क्या तुम दिखाने वाली थी, वो स्ट्रेटनर दिखाने वाली थी क्या? हाँ मेरा वाला और एक स्ट्रेटनर आता हूँ, रुको। हाँ ठीक है जाओ, ठीक है ये लो फिर तुम्हारा आगे का जो है स्ट्रेटनर। हाँ फ्रेंड्स तो देखो ये मेरा पहले से पहले का स्ट्रेटनर है, तो मैं इसी से करती थी, ये देखो ये वाला, जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं करती थी, पर कभी कभी हमें मतलब हाथों में दर्द हो जाता था, हाँ क्योंकि मैं हेल्प नहीं कर पाता था। हाँ पर अभी मुझे लगता है कि ये आसानी से हो जाएगा, तो शायद आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा कल
तुम रेडी हो ना तो तब एक बार दिखा देना। हाँ मैं तो पूरा दिखाऊंगी स्ट्रेट करके, ठीक है। और तो देखो मेरे पास दो दो हो गए हैं अभी। हाँ जब जो भी मन करे तुमको वही यूज करना, ठीक है। लेकिन ये ब्रासन से मेरे ख्याल से शायद तुमको ज्यादा सुविधा होगा। हाँ ठीक है फिर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है यही पे हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि ब्लॉग में यही दिखाना था कि प्रिया क्या क्या मतलब ये तो कल की बात थी कि कल मैं उसको ये सब देता, लेकिन प्रिया ने तो पहले ही सब मतलब पर्दाफाश कर दिए है, इसीलिए ब्लॉग बना लिए। तो ठीक है नहीं okay. इससे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो लोग हैं हमें नए देख रहे हो उन लोगों को पता चल गए हैं कि कल मेरा बर्थडे है, और मैंने खुद ही बोल दिया है हमने और राजा जी ने कि हम दोनों को विश कर देना, हम दोनों मतलब मुझे विश प्रिया को विश करना, मुझे नहीं करना। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दे रहे कि मैं हूँ प्रिया और ये है मेरा राजा बुटीक। हम दोनों के बारे में अगर जानना है तो जी हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स है, आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके देख लेना और हमारे बारे में पता कर लेना, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग सबको अच्छा लगता है तो जी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और पास में ये छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा एक बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नए नए से ब्लॉग्स डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच सके। तो जी फ्रेंड्स और एक बात कि कल का ब्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि कल तो मेरा बर्थडे है और आप भी हमें विश कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे से रहो।